एवरीवन, जी टीवी देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग जी टीवी। आज एक बहुत बड़ी खुशी का इजहार करने मैं आपके पास आ रही हूँ। बात यह है कि जब मैंने लास्ट ईयर में बहुत सारे वीडियोस बनाए इमिग्रेशन पे एंड स्टडी पे, तो कुछ लोग सिर्फ 6-7 मंथ से ही मुझे फॉलो कर रहे हैं वो, एंड रेगुलरली मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड हैं। तो मैंने एक ऑप्शन स्टूडेंट्स को दिया था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो चुका है, वो प्रोविंसेस को छोड़ के जहाँ पे रश नहीं है, जहाँ पे पब्लिक इन डिमांड है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कुछ ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पे बिल्कुल पॉपुलेशन नहीं है एंड ग्रोथ रेट भी बहुत कम है। तो कैनेडियन ग्रोथ रेट बहुत ही कम है एंड नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस जो है वहाँ पे ज़्यादा सेटल हो रहे हैं। तो उसके अलावा वो बहुत और ज़्यादा लोगों को वहाँ पे बुलाना चाहती है। एंड सबसे अच्छा ऑप्शन है स्टडी का, क्योंकि पीआर का जो ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड होता है एंड स्टडी का जो ऑप्शन है बहुत ही वाइड है। एंड 1400+ कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है स्टडी प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने जिस हिसाब से कहा था कि आप वहाँ की हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करके, काउंट करके, आप उसमें से कुछ एरिया निकालें, जैसे कि अटलांटिक रीजन हो गया, लैबराडोर वगैरह हो गया, एंड उसके अलावा सस्कैचवान। मैंने ये ऑप्शन दिए थे किसी को, एंड उन्होंने ये देखिए पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने निकाल के मुझे भेजी है ये देखने के लिए कि मैडम आप हमें गाइड करें कि मैं क्या चूज़ करूँ उसमें से। कि वहाँ पे मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर इफ़ यू वांट टू ग्रो तो वहाँ पे जाना जहाँ पे इंडियंस कम हैं, क्योंकि अगर आप अपने ही एरिया के लोगों के पास जाते हैं तो वो ग्रोथ में कंपटीशन हो जाता है, ग्रोथ कम होती है। जहाँ पे गोरे लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ जाएं। बट साथ में मैंने ये भी कहा था कि जहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, जहाँ पे जल्दी पीआर होती है एंड जहाँ पे आपको फ़ीस को भी कंसेशन मिलता है, प्लस आपकी जो फ़ीस आप पे करते हो आपकी पीआर के टाइम, कुछ 30 या 40% उसका जो है आपको रिटर्न भी मिलता है। ये जो ऑप्शंस मैंने बताए थे, तो इन्होंने सारे रिसर्च करने के बाद मुझसे बात की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लोग इतने अच्छे से एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, जो कि मेरा मकसद था बताने का। तो इन्होंने कहा, गुड आफ्टरनून मैम, इज़ इट अप टू एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल चॉइस टू बी द पार्ट ऑफ कैनेडियन सेंसस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि लबर्डर ऑल्सो, एंड मैम वन मोर क्वेश्चन, आई हैव लुक फॉर, कैन आई लुक फॉर लबर्डर और लीव इट। तो मैंने इनको कहा, दे आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन सेंसेस, जनरली पीपल डोंट बॉदर अबाउट एनी थिंग, दे कैलकुलेट देयर सिटीजन्स हु आर बॉर्न जनरली, इट विल नॉट इफेक्ट द स्टेटस। वंस यू विल बिकम ए सिटीजन, यू विल गेट द पासपोर्ट एज नॉर्थन अमेरिकन पासपोर्ट इन ऑल दोज प्रोविंसेस, यू विल गेट लेस मनी बट लेस एक्सपेंसिज ऑल्सो, सो दैट विल इक्वल, इट्स टू कोल्ड प्लेसेस बट ईजी टू सेटल इन पी आर। आफ्टर यूर पी आर यू हैव टू स्टे अराउंड 2 or 2.5 years टू गेट द सिटीजनशिप, देन यू कैन मूव एनीवेयर। कैनेडियन पीपल आर इन माइनस इन ग्रोथ ऑन दोज रीजन्स। तो मैंने इनको ये कहा, तो इन्होंने कहा, राइट मैम, नाउ आई एम लुकिंग फॉर दीज ओनली, क्यूबेक, अटलांटिक रीजन्स एंड सस्कैचवान। तो इन्होंने कहा कि अब मैं सिर्फ ये तीन प्रोविंसेस को देखूंगा। नो, मैंने जवाब दिया, नो यू चूज़ द राइट वंस, गो अहेड। मैंने उन्होंने मुझसे पूछा कि इसके अलावा मैं कुछ और चूज़ करूँ, तो मैंने कहा नहीं, जो आपने चूज़ किए हैं दैट इज़ द राइट वन। तो इन्होंने पूछा, लैब्राडोर इज़ ओके और नो? मैंने मैंने इनको कहा, या बट कीप इट द लास्ट वन बिकॉज इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि लैब्राडोर जो एरिया है वो वर्ल्ड का एंड है, तो वहाँ को लास्ट ऑप्शन जैसे रखना। मैम, इज़ एन ऑप्शन ऑफ मैट्रिक्स कॉलेज इन मॉन्ट्रियल। तो इनको मॉन्ट्रियल से किसी कॉलेज से ऑप्शन है, तो उन्होंने मुझसे पूछा, यू जस्ट फाइंड द ऑक्यूपेशन लिस्ट फॉर पीआर एंड इज़ योर स्टडी कम्स अंडर दैट डिमांड लिस्ट देन। तो मैंने उनको ये जवाब दिया, माई ओपिनियन इज़ यू शुड नॉट सफ़र एट द टाइम ऑफ पीआर पॉइंट्स और फाइंड विच वन इज़ ऑन हाई इन डिमांड, कि जो भी आपकी स्टडी है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में आप देखिए कि आपकी स्टडी एंड वहाँ पे जो आपकी स्टडी के बाद आपको क्या काम मिलेगा, कौन सी हाई लिस्ट में है, वो उस हिसाब से चूज़ करना। तो इन्होंने कहा, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन? आई सेड, अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़ योर स्टडी ऑप्शन, गूगल इट। मैंने बोला कि गूगल करके देखिए, एवरी ईयर इट विल चेंज, मोस्ट प्रोबेबली आईटी कंपनीज विल नॉट इश्यू जॉब ऑफर्स अदर देन आई टी कंपनीज अदर देन दैट इज़ ओके। क्वेश्चन
कोर्स रिलेटेड टू मार्केटिंग सेलिंग बिजनेस एंड अदर स्किल्स आर इन डिमांड। तो मैंने इनको लिंक भेजा, तो मैंने उनको ये कहा कि लाइक दिस इंडिविजुअल प्रोविंसेस विल हैव अ डिमांड लिस्ट, कि तुम वहाँ से पता करो जो कंट्री जो प्रोविंस में तुम जा रहे हो वहाँ की ऑक्यूपेशन डिमांड लिस्ट में क्या क्या है, उस हिसाब से आप अपने कोर्स जो है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर आपने कुछ और कोर्स लिए हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आप जो है अच्छे और उसके रिलेटेड कोर्स ले लें ताकि आपको जॉब लिस्ट में आ जाए आराम से। तो उसको बोला राइट मैम। मैंने बोला कि डोंट चूज़ ब्रिटिश कोलंबिया, इट्स इन हैवी रश, लाइक ब्रिटिश कोलंबिया के अलावा जो भी और कोई छोटे ऑप्शन दिखते हैं बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन अदर प्रोविंसेस ऑल्सो। तो उसने बोला एंड देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो इन नोवा स्कोशिया विद एन ऑयल रिफाइनरी। तो इन्होंने ये सारे रिसर्च की है कि वहाँ पे क्या क्या काम हो सकते हैं। तो मैंने बोला येस। मैंने उनको ये गाइड किया कि गो इन दिस ईयर एज सुन एज पॉसिबल बट बी केयरफुल अबाउट SDS एंड नॉन SDS कॉलेजेस कोर्स सिलेक्शन एंड कॉलेज ग्रेड एंड इफ़ इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट लाइक एंड चेक द फीडबैक एंड ऑल। इट्स योर कैरियर, यू शुड चूज नॉट अदर्स, इट्स योर इन्वेस्टमेंट एंड इट्स योर टाइम, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन कैनेडा, सो इट्स योर राइट टू चूज़ द ऑप्शंस एंड द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू, यू हैव टू मेक द राइट चॉइसेस। तो उसके बाद में इन्होंने लिखा समवन टोल्ड मी दैट रिफाइनरी इज क्लोज फ्रॉम जैन टू मे बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम स्नो, इट्स ट्रू? इन्होंने पूछा। तो डोंट वरी मैम, आई विल डिस्कस विद यू आफ्टर सम कॉलेज ऑप्शंस इन नोवा स्कॉशिया। तो मैंने उन्होंने कहा ड्यू टू हैवी स्नो और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर इट इज़ पॉसिबल दैट सम कंपनीज विल हैव सीजनल वर्क बट गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू ओपन सो मैनी ऑप्शंस टू गिव फुल टाइम वर्क एंड होल ईयर वर्क, डोंट वरी। तो देयर आर मैनी मोर ऑप्शंस अवेलेबल अदर देन रिफाइनरी। सो ही सेड राइट मैम। सो ही सेड सो सो ब्लेस्ड विद योर सजेशंस, आई एम रियली लकी टू हैव योर प्रीशियस टाइम एंड आई सेड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सी दिस इज़ द पर्सन, ही इसने पूरा जो है रिसर्च किया एंड पूरी बातें इसने फॉलो की जैसे जैसे मैंने कहा एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग अपने करियर के लिए ऑप्शन डिसाइड करते हैं वो बहुत कामयाब होते हैं उसमें। एंड मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि मरते तड़ते जैसे भी उठते बैठते जो भी मैंने रिसर्च करके आप लोगों के साथ शेयर किया, इमिग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम था, अब नए बच्चों को नई पीढ़ी को वो बात समझ में आ रही है और वो अपने कैरियर को बहुत ही इंटेलिजेंटली हैंडल कर रहे हैं एंड चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन जिससे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है नहीं होगी एंड जिससे कि बहुत ही प्रॉपर एंड एजुकेटेड कैनेडियन सिटीजन मिलेंगे कैनेडा को। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि माई प्लानिंग्स माई वर्क्स आर वर्किंग आउट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।